कानपुर में सुभाष यूथ सोसाइटी में राशन कोटेदार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही जनता ने यहां पर वार्ड 22 में एक कोटेदार पर राशन की घोटालेबाजी और साथ ही मनमानी करने का आरोप लगाया। सुभाष सेना ने यहां पर जिलाधिकारी कानपुर नगर को बताया कि सिद्धार्थ नगर के वार्ड 22 के राशन कोटेदार धनीराम क्षेत्री ने यहाँ पर नागरिकों के साथ घोटालेबाजी की है और दबंगई दिखाता रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों में आक्रोश है। हमें 2 दिन पहले जानकारी प्राप्त हुई, लालपुर नई बस्ती है, वार्ड नंबर 22 नौबस्ता के पास, जहां पर एक राशन कोटेदार धनीराम के द्वारा लगातार 5 सालों से विगत वहां के क्षेत्रीय जनता का अत्याचार हो रहा था। उनके साथ लगातार राशन कम करके दिया जाता था, 2 किलो से 3 किलो 4 किलो, ऐसे 10 किलो वालों को, 8 किलो, 20 किलो वालों को, 16 किलो, 30 किलो वालों को, 25 किलो, ऐसे राशन कम काट के दिया जाता था। इसके अलावा वहाँ पे अन्य उत्पाद जो खुद वो मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, अपना डुप्लीकेट वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, ये भी जबरदस्ती कहते थे 150 रुपये का सामान आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको राशन नहीं देंगे। और विरोध करने पर गाली गलौज करके वहाँ पे उनको राशन देने से मना करते थे और कहते थे कि अगर तुमने इसका विरोध किया तो तुम्हारा राशन का दुकान, राशन कार्ड निरस्त करवा देंगे। इस तरह की मनमानी रवैये के खिलाफ हम लोगों ने वहां पर जाकर वहां की महिलाओं की शिकायत हुई तो हम लोग की संस्था के कुछ पदाधिकारी गण वहां पहुंचे, उन्होंने बकायदा वीडियो फुटेज भी बनाया है, वो मैं आप लोगों को वीडियो फुटेज में अवेलेबल कराऊंगा, आप लोगों को दूंगा और निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से उस वीडियो फुटेज को आगे चलाएं, जिससे कि आम जनमानस के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोदी योगी जी तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मोदी योगी जी के राज में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें लगातार ऐसा कहा जाता है गरीब जनता के लिए जो सरकार राशन दे रही है और बीच के बिचौलिए राशन खा रहे हैं।